क्रिकेट विश्व कप का खुमार अब तक इस खेल के चाहने वालों के दिलो दिमाग से उतरा ही नहीं था कि अब इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही फाइनल मैच तो आपको याद ही होगा, इस मैच का रोमांच क्रिकेट फैंस भूल ही नहीं सकते। इस ऐतिहासिक मैच में एक थ्रो ऐसा था जिसने रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया था और मैच का रुख पलट कर रख दिया था। दरअसल न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने ये थ्रो मिड विकेट बाउंड्री से फेंका था, जो ड्राइव लगाने वाले स्ट्रोक के बल्ले से लगकर बाउंड्री के पार चला गया था। अब इस थ्रो को लेकर मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC ने बड़ा फैसला लिया है। MCC ने कहा कि सितंबर में इस थ्रो पर जांच की जाएगी। अब इस थ्रो के बाद ओवर थ्रो के नियम को ही बदलने पर विचार किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी ओवर में थ्रो से 4 रन मिलने पर हैरान थी। इस एक थ्रो ने पूरा मैच का रुख इंग्लैंड की झोली की तरफ कर दिया था और इसके बाद ही सुपर ओवर भी टाई रहने पर इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर वर्ल्ड चैंपियन बना दिया गया था। MCC ने अपने बयान में कहा कि विश्व क्रिकेट समिति WCC ने ओवरथ्रो से संबंधित कानून 19.8 पर विचार किया है। ऐसा ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल को ध्यान में रखते हुए किया गया है। WCC का मानना है कि कानून स्पष्ट है, लेकिन इस मामले की समीक्षा कानून की उप समिति सितंबर 2019 में करेगी। बता दें कि MCC के इस बयान से इंग्लैंड के विश्व कप खिताब को कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है, जो फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। यह देखना होगा कि सितंबर में MCC अब क्या फैसला लेती है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।